everyone, this is me Sanyasha. Welcome back to my YouTube channel, which is Sanyasha Lively. Hope तो सारे ठीक होगे, fit fart होगे, मजे से होगे. And yes, मैं ते night duty करके just घर आई हाँ. And तुसी देख सकते हो कि मैनू किन्ना मूह जो है और sweating हो रही है, क्योंकि कराची च बहुत ज़्यादा गर्मी एक जी है ना वो पीक कर चुकी है क्रॉस और स्टार्ट हो गई है. और क्योंकि ड्यूटी तो सानू इन्ना फील नहीं होता बिकॉज असी चिलर्स दे विच जॉब कर रहे होंगे. घर पे अभी हमने एसी फिटिंग नहीं करवाई है. और हाँ, गर्मी है और क्योंकि मैं व्लॉग कर रही हूँ तो मैं पंखा बंद कर देता है, लाइट नहीं गई है. और मैंने बहुत सी बातें करनी है. इतने टाइम से वॉइस ओवर के अलावा मैंने कभी भी व्लॉग नहीं किया है. तो मैं तुम सबको ये बताना चाहती हूँ गाइस कि मैं बहुत सारी चीज़ों में मेंटली तौर पर उलझी हुई हूँ. फिजिकली तौर पर जब आप कुछ चीज़ों में उलझते हैं तो उनका एक उसकी एक अलग थकावट होती है. बट आप जब मेंटली तौर पर उलझे होते हैं तो वो कुछ ज़्यादा आपको थका देता है या आपको स्ट्रेस में ले जाता है. सो मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ. इतने दिनों से मैं व्लॉग इसलिए नहीं कर पाई हूँ, या मैं वॉइस ओवर्स पे ही लगी हुई हूँ, या मैं खैर मैंने व्लॉग्स बहुत कम किए हैं. बट आप लोगों का ये प्यार है और ये मोहब्बत है कि तुम लोग यार अभी भी मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, मुझे फुल सपोर्ट करो. और हाँ, मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके लिए प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें. और यार मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली है. मैंने एक जगह टेस्ट दिया था तो वहाँ से मुझे कॉल आ गई और मैं इतनी कन्फ्यूज हूँ क्योंकि मैं अभी चाह ही नहीं रही हूँ जाने. बहुत मुश्किल से खुद को यहाँ पे एडजस्ट किया है. जो लोग तो मेरे ट्रू फॉलोअर्स हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि एक वीडियो में तो मैं नाइट शिफ्ट के बाद रो पड़ी थी क्योंकि मेरी इतनी हेक्टिक ड्यूटी थी और मुझे फीवर भी हो गया. सो फुल एंड फाइनल मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को फिर से दोबारा से देखना शुरू कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए. और यस, मैंने इतने टाइम से व्लॉग्स नहीं किए हैं तो मुझे उसके लिए माफ़ कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए. और प्लीज़ अगर आप ये मेरा पूरा व्लॉग वॉच कर रहे हो तो आप ज़रूर मेरी बात को सुन चुके होंगे कि मुझे एक न्यू जगह जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली है, एक अच्छा और बड़ा सेटअप है. बट मैं अभी यहाँ से इसलिए नहीं छोड़ना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद को बहुत मुश्किल से यहाँ पर एडजस्ट किया है और मैं चाह रही हूँ कि मेरा इमरजेंसी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस हो जाए. क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आने वाले जगह पे अगर मैं जाऊँ तो मुझे वो इमरजेंसी में अपॉइंट करते हैं कि नहीं. बट यहाँ पे तो मैंने खुद से ही इमरजेंसी अपार्टमेंट चूज़ किया था और ये मेरा मदर हॉस्पिटल भी है. सो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गाइड कीजिएगा. बाकी मेरी आपको नर्सिंग की वीडियोस कैसी लगती हैं, व्लॉग्स कैसे लगते हैं, डू लेट मी नो कि मुझे किस तरह के व्लॉग्स बनाने चाहिए. क्योंकि मैं हफ्ते में एक या दो व्लॉग्स तैयार करना ही चाहती हूँ. और इस व्लॉग में बड़ा प्यार दो, बस गल्ला बातें कीतियाँ ने दिल में थोड़ा हल्का किया है. क्योंकि मैं वो जहाँ पे मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिली है वो 8 आवर्स की सिंगल शिफ्ट है. और ये जो अभी मैं जॉब कर रही हूँ इसमें मुझे सिंगल शिफ्ट 6 घंटे की पड़ रही है और उसमें थोड़ी नाइट ड्यूटी शॉर्ट है बट इसमें नाइट ड्यूटी 12 घंटे की है. काफ़ी चीज़ों का डिफरेंस है बट आई एम टोटली कन्फ्यूज क्योंकि मेरा दिमाग सोच सोच के ना आता हमारी थटकली वाला हिसाब हो गया. बट मैं घर वालों से भी मैं बात कर चुकी हूँ बट दिल अजीब सा हो रहा है अंदर से, मुझे ये समझ नहीं आ रही है. सो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए. अपना बहुत सा ख्याल रखें, प्लीज़ हीट वेव से और गर्मी से बच के रहें. खुद को बहुत ज़्यादा फ्लूइड से, पानी से, ओआरएस से, सिकंजवी से और फ्रेश जूस भी यूज़ कर सकते हैं अगर शुगर ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो. और बाकी फ्रूट्स यूज़ करें. वाटरमेलन आया हुआ है, वो एक गुड सोर्स है फ्लूइड्स का और हाइड्रेट रखने का. मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू डू अ प्यारा सा कमेंट और मुझे गाइड करें मुझे क्या करना चाहिए. तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखें, मिलूंगी शायद मदर्स डे के व्लॉग में. साथ रहिए.